वन विभाग तिराई पश्चिमी के फांटो रेंज के अंतर्गत फीका बीट में मृत हाथी मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग तिराई पश्चिमी के फांटो रेंज के अंतर्गत फीका बीट में गांव के ग्रामीणों ने एक हाथी को मरा हुआ देखा, जिसकी सूचना तुरंत ही ग्रामीणों द्वारा विभाग को दे दी गई। इसकी सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी ने बताया कि हाथी के दोनों दांत सुरक्षित हैं, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। वन कर्मियों का अनुमान है कि हाथी की मौत करंट लगने या ब्रेन हेमरेज से हुई होगी। बीते वर्ष में पतरामपुर के रेंज के ग्राम हजीरा के जंगल में एक हाथी की मौत करंट लगने से हुई थी। हिमांशु बागड़ी ने कहा कि हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में हाथी में चोट के निशान या करंट लगने से होने का कारण साफ नहीं हो पाया। हिमांशु बागड़ी ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में पता न चलने के बाद हाथी के कुछ अंगों को सैंपलिंग के लिए आईबीआरआई बरेली को भेजा जाएगा, उसके बाद हाथी की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। जी, आज सुबह हमें सूचना मिली कि हमारे फीका बीट में एक हाथी मर गया है, तो वहां पर मौके पर जाके पूरे क्षेत्र की छानबीन की गई और उसके बाद उस एरिया का पोस्टमार्टम, उसके बाद हाथी का पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम में हाथी में कोई ऐसे चोट वोट के निशान और कोई करंट आए, किंतु पोस्टमार्टम में एग्जैक्ट मृत्यु का कारण भी पता नहीं चल पाया। इसलिए सारे सैंपल वगैरह बॉडी के पास जो सैंपल वैम्पल होते हैं वो ले लिए गए हैं और कल आईवीआरआई बरेली उनको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या कारण था उसकी मृत्यु का, और कि हाथी नर हाथी था और अवयस्क हाथी था, अल्पुष से मतलब एडल्ट नहीं हुआ था।